नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीबीज टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। गाइस, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में एक परिवार टूटकर बिखर रहा है और इस टूटते हुए परिवार को समेटना तो पड़ेगा ना। जहाँ एक तरफ मंगल और आदित्य की बिखरी जिंदगी का सफर तय हो चुका है, तो वहीं पर इस सफर में बर्बाद हो रही है इन दोनों के बच्चों की जिंदगी, यानी ईशाना और अक्षत की। ऐसे में कैसे मंगल और आदित्य अपने बच्चों की जिंदगी को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बात का एहसास कराते नजर आने वाले हैं अक्षत और ईशाना अपने माँ बाप को। आप लोग आगे आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं कि सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में काफी इमोशनल ट्रैक आने वाला है, जो कि पूरी तरीके से इमोशन से भरा होने वाला है। आंखों में आंसू मंगल और आदित्य के, साथ ही साथ पूरे परिवार के आंखों में आंसू आ जाने वाला है जब ईशाना अपने टूटते हुए परिवार को जोड़ने की बात कहेगी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में अब ईशाना काफी परेशान हो चुकी है। अब उसे भी उसके दोस्तों की तरफ से टूटते परिवार के कुछ ऐसे उदाहरण मिलने लग गए हैं, जिसे सुनकर देखकर वो डर रही है और वो नहीं चाहती कि उसके परिवार की जिंदगी उसकी जिंदगी भी इसी तरीके से गुजरे। ऐसे में अब ईशाना चाहती है कि उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप दोनों एक साथ रहे, और इसके लिए ईशाना ने अपने माँ बाप के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखी है। उसने ये कहा है कि उसे उसका पुराना परिवार वापस चाहिए, जहाँ माँ पापा अक्षत ईशाना और दादा दादी हम सब साथ रहते थे, उसमें कोई सौम्या नहीं थी, और बस उसे ऐसा ही अपना परिवार चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो वो यहाँ नहीं रहना चाहती है, वो खुशी खुशी हॉस्टल में जाकर पढ़ने के लिए तैयार है। ऐसे में अब मंगल और आदित्य, साथ ही साथ उसके दादा दादी, सब लोग काफी इमोशनल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आदित्य और मंगल क्या अपने बच्चों के लिए कोई फैसला ऐसा लेंगे जिससे कि इनकी जिंदगी बदल जाएगी, और इनकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा उससे कहानी में नया मोड़ आएगा। इसको लेकर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।